गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. आज हम लोग सबाल्टर्न स्टडीज देखें, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, जिसको हिंदी में जनवादी व्याख्या कहते हैं. सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, एक्चुअली ये दोनों हिस्टोरियोग्राफी जो हम लोगों ने देखी थी, इतिहास की व्याख्या. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दोनों हिस्टोरियोग्राफी जो हमने देखी थी, राष्ट्रवादी व्याख्या और उसके पहले साम्राज्यवादी व्याख्या, वो दोनों तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान की ही थी. हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में थे, तभी की थी. पर ये जो सबाल्टर्न स्टडीज है, ये पोस्ट कॉलोनियल है. ये थ्योरी डीकोलोनाइजेशन की है, यानी कि ये पीरियड जो है ये आजादी के बाद का है, और जब कॉलोनीज खत्म हो गई हैं उस समय की ये व्याख्या आ रही है. और ये प्रोसेस है इंपीरियलिज्म के खत्म होने की. और ये केवल भारत में ही नहीं, ये भारत की तरह जो दूसरी भी कॉलोनीज थी, जो दूसरी कॉलोनीज भी जो थी, उनके अंदर भी ये व्याख्या आती चली गई है. तो जो दूसरी कॉलोनीज के थी, उन्होंने भी इस व्याख्या को अडॉप्ट किया था, उन देशों में भी, और वहां में भी उसी की तरह उन्हीं के साथ साथ भारतीयों ने भी इस व्याख्या को लिया हुआ है. ये इतिहास की, इसलिए ये व्याख्या जो है, ये इसको डिकोलोनाइजेशन की व्याख्या भी कहा जाता है. यानी ये इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद के समाप्त होने के बाद से की व्याख्या आई है. ये खास तौर पर ध्यान रखने की बात है ये, क्योंकि बाकी जो तीनों है, मार्क्सवादी व्याख्या उसी दौरान आती है, मार्क्सवादी व्याख्या भी बाद में ही आई. अब ये देखने की चीज है कि ये सबाल्टर्न टर्म आया कहाँ से था. ये सबाल्टर्न टर्म जो है, ये भारत से का शब्द नहीं है, ये एक वर्ड है जो एंटोनियो ग्राम्शी नाम के एक इटालियन व्यक्ति ने, जो एक मार्क्सिस्ट थे और कम्युनिस्ट थे, और एक लंबे समय तक ये इटली की सेना में रहे थे, उन्होंने इसको लिया था, उन्होंने इसको इस शब्द को दिया है. उन्होंने अपने सैनिक अनुभवों को लिपिबद्ध किया, और जिन्होंने बताया कि वास्तव में जो योद्धा होता है, वो पहली रैंक का सोल्जर होता है, जो निम्न पहली रैंक का होता है वो काम करता है, और वास्तव में उसको श्रेय कभी दिया नहीं जाता, इतिहास उसे कभी याद नहीं रखता, और इससे ये शब्द सामने आया. इतिहास में इसे निम्न वर्गीय प्रसंग भी इसीलिए कहा गया है. इसका इंफीरियर, इसका जो लिटरल मतलब होता है, ये होता है इंफीरियर इन स्टेटस, लोअर इन स्टेटस. लोअर इन स्टेटस का मतलब होता है निम्न दर्जे का, निम्न वर्ग का. उसका दर्जा जो है वो नीचा है, और इसलिए उसको लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते. भारतीय इतिहास में इसको इस व्याख्या को सबसे पहले प्रस्तुत किया 20वीं शताब्दी में इस व्याख्या को लेके आने वाले इतिहासकार रंजीत गुहा है. राष्ट्रवादी हर व्याख्या किसी ना किसी पहले आने वाली व्याख्या की प्रतिक्रिया थी, ये तो हम बता चुके हैं आपको. मार्क्सवादी इतिहास लेखन और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के अंदर की कुछ कमियां लग रही थी इतिहासकारों को, जो ये व्याख्या सामने आई. इस राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी व्याख्या को इस व्याख्या के, यानी सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ने अभिजनवादी यानी लेटेस्ट व्याख्या कहकर इस नई व्याख्या को सामने ये लेके आए. उनका कहना था कि हम इतिहास में दलित, किसान, मजदूर, स्त्रियां, दलित जातियां, निम्न जातियां, उनको तो कहीं कोई स्थान ही नहीं देते. हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास लिखते ही नहीं है, इतिहास में इनको कोई स्थान नहीं दिया जाता, इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतिहास लिखा जाना बहुत जरूरी है. जिनके नेतृत्व में जिनके नेतृत्व में हमने इतिहास को लिखा, हम केवल उन्हीं के बारे में इतिहास लिखते हैं. और खास तौर पर इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में सबाल्टर्न हिस्ट्री को प्रस्तुत किया. रंजीत गुहा ने पहले खंड में जो सबाल्टर्न हिस्ट्री लिखा, वो कैम्ब्रिज से प्रकाशित हुआ, और वहां उन्होंने इसका पर्पस लिखा था कि व्हाई दे आर राइटिंग सबाल्टर्न हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने कहा कि ये टोटली नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रहा है, खास तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में.
20वीं शताब्दी का आठवां दशक था ये, और साउथ एशियन हिस्ट्री सोसाइटी का एक अध्ययन करने वाला एक समूह बना जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत के हिस्टोरियंस थे, बाद में उसमें अमेरिका के भी हिस्टोरियंस शामिल हुए। इस तरह से ये हिस्टोरियंस का एक समूह है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें भारत के इतिहासकार भी है, जिन्होंने सबाल्टर्न ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस बनाया। और इन हिस्टोरियंस ने निम्न वर्गीय प्रसंग, निम्न वर्गीय इतिहास, निम्न वर्ग का इतिहास सामने लाने की कोशिश की, और बहुत लंबे समय से ये इस प्रयास में लगे रहे। रंजीत गुहा ने सबाल्टर्न स्टडीज के 10 वॉल्यूम्स बाद तक अभी तक निकाले, और उसके साथ उनका एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस रहा। इसमें दो नाम बहुत उभर के आए हैं, रंजीत गुहा के साथ पार्थ चटर्जी। ये सारे हिस्टोरियंस जो हैं, ये सब अर्ली मार्क्सिस्ट ही हैं और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के ही थे। नाम से ही हम इनके समझ में आता रहा कि इन्होंने इस मार्क्स, इस हिस्ट्री को निम्न वर्ग के सामने, के वर्ग को सामने लाने की जब कोशिश की, तो इनके इतिहास की एक मेथडोलॉजी भी आनी शुरू हुई थी। अब ये इसको, ये इनका इतिहास हमको आर्काइव्स में तो मिलेगा नहीं, दलित जातियों का, आदिवासियों का, उनके विद्रोहों का, स्त्रियों का। हाँ, एक चीज और बताना बहुत जरूरी है कि इन्होंने जब इनके इतिहास के बात करनी शुरू की कि ये एक एक, इनको एक एक इकाई माना। ये भारत के अंतर्गत तो है, पर उनका कहना था कि इनका नेतृत्व ये स्वयं कर रहे थे। ये अभिजन जो है, यानी जो जो उच्च वर्ग के, उच्च सामाजिक वर्ग के नेता थे, उच्च जातियों के थे, उनके नेतृत्व में यदि हम इनको लेके आ रहे हैं तो ये भी उनके साथ अन्याय है, हम इनको एक इकाई माने। यानी जो इनके बाद में क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा कारण मिला बना कि ये एक एक भारत की अखंडता के अंतर्गत एक इकाई नहीं, ये इनको एक अलग इकाई मानना चाह रहे थे, मान रहे थे। आदि इन्होंने किसान आंदोलनों की जब चर्चा की तो उन्होंने उनको एक आइसोलेटेड इवेंट मानकर किसान आंदोलन कहे। किसान आंदोलन के अनुसार ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा होना, इनको ये राष्ट्रीय, इनकी भारतीय राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर होने वाले आंदोलन नहीं, बल्कि ये एक अलग आइसोलेटेड इवेंट है। आदिवासी आंदोलन जो है ये आइसोलेटेड इवेंट्स है। उनका कहना था कि अगर हम इनको राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ेंगे तो हम किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सेम इन द सेम मैनर अगर हम जेंडर्स को लेते हैं, यानी महिलाओं के का अध्ययन आ रहा है, तो वो भी एक आइसोलेटेड इवेंट है। इनका अलग अध्ययन किया जाना चाहिए राष्ट्रीयता से, राष्ट्रीय आंदोलन से अलग, या भारतीय राष्ट्रीयता से अलग करके इनको। और इस प्रकार से उन्होंने एक एक खंड को अलग अलग करने की बात कही है, क्योंकि इनका नेतृत्व भी ये ही करेंगे, ये किसी उच्च वर्गीय से नेतृत्व के नेतृत्व में ये काम नहीं कर रहे हैं, इनका नेतृत्व भी ये स्वयं कर रहे हैं। इस प्रकार इन्होंने एक 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 दलित या एक एक जो इनके हिसाब से सबाल्टर्न ग्रुप है, उस सबाल्टर्न ग्रुप का नेतृत्व भी इन्होंने स्वयं ही उसी सबाल्टर्न ग्रुप को देने की चर्चा की। इस प्रकार से उन्होंने भारत के विभिन्न ग्रुप्स में इसको, सबाल्टर्न को डिवाइड किया। अब जहां इनका, इन्होंने विभिन्न सामाजिक वर्गों को, छोटे वर्गों की चर्चा की, तो इनकी मेथडोलॉजी भी बदलती चली गई। ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इसमें ओरल हिस्ट्री सोर्सेस को इम्पोर्टेंट दी, यहीं से इतिहास में ओरल हिस्ट्री सोर्सेस का इनको इंक्लूड किया जा रहा है। इन्होंने सत्य को सामने लाने के लिए, उन अनदेखे अनजाने सच को सामने लाने के लिए लोकगीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं इत्यादि को भी इतिहास के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। उनको भी, उनके भी कंट्रीब्यूशन को उन्होंने माना कि ये भी हिस्टोरिकल सोर्सेस है। और इन इन सोर्सेस को अगर हम नहीं लेंगे तो हम कैसे उस इतिहास को लाएंगे? हम किसानों के आंदोलनों को लाने के लिए, किसानों के जीवन को लाने के लिए, और खासतौर पर आदिवासियों के ऊपर ये हम काम करते हैं, आदिवासी विद्रोहों के ऊपर जीवन पे काम करते हैं, तो हमको लोकगीत, लोक संगीत लाना ही पड़ता है। लोक जीवन पे जैसे बहुत सारे किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, हम किंवदंतियों को स्वीकार नहीं करते, लोक कथाओं को नहीं स्वीकार करते, उसको इन्होंने इतिहास के सोर्स के रूप में मानने के लिए इंसिस्टेंस किया। और उसके अंदर से कैसे हिस्ट्री लाई जाती है, एक मेथडोलॉजी निकाली है, ओरल हिस्ट्री मेथडोलॉजी जो स्वीकार की जाने लग गई है इसके सोर्स के रूप में। ये एक, हालांकि इसकी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है, मार्क्सवादियों ने किया, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने किया, कि हम हिस्ट्री के, नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री में तो
इससे काफी बड़ा तहलका मच गया कि हम कैसे किसानों के आंदोलनों को अलग कर सकते हैं, हम कैसे महिलाओं के को अलग कर सकते हैं, और हम खुद जानते हैं कि हम गांधी के नेतृत्व में महिलाओं का आंदोलन हुआ है, उससे गांधी को कैसे अलग कर सकते हैं, हम ये कैसे अलग कर सकते हैं कि किसान, हम ये इस फैक्ट को कैसे झुटला सकते हैं कि किसानों के आंदोलनों के पीछे बहुत बड़े रीजन, उनके ऊपर होने जो लगान एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो कैसे अलग किया जा सकता है, उसके पीछे अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीतियां थी वो जिम्मेदार थी, पर वो इस फैक्ट से अलग अपने आप को अलग मानते हैं। इन हिस्टोरियंस में जो खास प्रमुख है वो पर फिर भी इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने इस तबके की तरफ, जिसकी तरफ इतिहास ने कभी ध्यान नहीं दिया था, उस तबके के इतिहास को उन्होंने सामने लाया। इस हिस्टोरियोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन यही है कि महिलाओं को, निम्न जातियों को, आदिवासियों को सामने लाया। पार्थ चटर्जी, रंजीत गुहा, गौतम भद्रा है, कुछ समय तक सुमित सरकार भी इस हिस्टोरियोग्राफी के साथ जुड़े रहे, शाहिद अमीन, ज्ञानेंद्र पांडे, इन्होंने किया बहुत अच्छा पेपर जो इसके ऊपर चौरी चौरा के ऊपर शाहिद अमीन का था, जिसमें उन्होंने उन सब के नाम खोजे लाए कि कौन कौन थे जो चौरी चौरा की वास्तव घटना क्या थी, जो अनजाने लोगों के नाम, हम चौरी चौरा को केवल उतना ही जानते थे एक घटना के रूप में, वो कौन कौन लोग थे जो उस घटना के साथ जुड़े थे, अनजान अनजाने लोगों के इतिहास को लाने का प्रयास इस इतिहास में किया। इसकी बहुत सारी कमियां भी थी, पर बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट्स भी थे, जैसा कि हर एक चीज में होता है, उसका प्लस और उसका माइनस, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यही इस इतिहास लेखन की विशेषता भी है। थैंक यू। Okay. Okay.